बरेली के बाजार में झुमका गिराने वाली इस अभिनेत्री को ज्यादातर लोग अब भुला चुके हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब साधना की फिल्म का इंतजार लोग बड़ी बेसब्री से किया करते थे। इनका हेयर स्टाइल इतना मशहूर था कि भारत की लगभग हर लड़की एक दौर में इनके जैसा हेयर स्टाइल लेना चाहती थी, जिसे कहा जाता था साधना कट। लंबे वक्त तक ये बॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्री बनी रही और महज कुछ फिल्मों में काम करने के बावजूद भी इनका स्टारडम किसी भी दूसरे एक्टर से कम नहीं रहा। 2 सितंबर 1941 को साधना का जन्म हुआ था कराची में। चूंकि इनके पिता उस दौर की मशहूर अभिनेत्री व डांसर साधना बोस को बहुत पसंद करते थे, सो उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपनी बेटी का नाम साधना रखा था। देश जब आजाद हुआ तो बंटवारे का दर्द भी आजादी के साथ मिला। नन्ही साधना ने भी बंटवारे का वो दंश देखा और इनका परिवार भी कराची छोड़कर मुंबई आने पर मजबूर हुआ। मुंबई आने के बाद साधना के पिता ने अपनी बेटी को फिल्मों में काम दिलाने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। इनके पिता जानते थे कि उनकी बेटी भी बचपन से ही फिल्में और फिल्म अभिनेत्रियों के प्रति काफी आकर्षित होती है, सो उन्हें यकीन था कि साधना को तो फिल्मों में काम मिल ही जाएगा। पिता की मेहनत रंग लाई और साल 1955 में रिलीज हुई फिल्म श्री 420 में इन्हें इचक दाना बिचक दाना गाने में बतौर कोरस गर्ल काम मिल गया। इस समय उनकी उम्र 15 साल की थी। यह रोल इतना छोटा था कि किसी ने भी साधना को नोटिस नहीं किया, लेकिन इसके बाद साधना ने अपने कॉलेज में होने वाले नाटकों में काम करना भी शुरू कर दिया था। नाटकों में साधना इतना शानदार अभिनय करती थी कि हर कोई इनका मुरीद हो जाता था। कॉलेज के एक नाटक के दौरान ही एक फिल्म प्रोड्यूसर की नजर इन पर पड़ी। उन प्रोड्यूसर को इनका काम बेहद पसंद आया और उसने इन्हें दुनिया की सबसे पहली सिंधी फिल्म अबाना में कास्ट कर लिया। उस फिल्म के प्रचार का काम चल रहा था कि इनकी एक तस्वीर स्क्रीन नाम की उस दौर की एक लोकप्रिय मैगजीन में छपी। इत्तेफाक से वो तस्वीर उस जमाने के जबरदस्त प्रोड्यूसर सुशांदर मुखर्जी ने भी देखी। सुशांदर मुखर्जी ने इन्हें फिल्मालय प्रोडक्शन में बुलाया और उन्होंने साधना को फिल्म लव इन शिमला में कास्ट कर लिया। इसी फिल्म में हीरो थे जॉय मुखर्जी, जो कि सुशांदर मुखर्जी के बेटे थे, और जॉय मुखर्जी की भी ये पहली फिल्म थी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे आर के नैयर साहब, जिनसे आगे चलकर साधना ने शादी कर ली थी। करियर की पहली फिल्म सुपरहिट साबित हुई और देखते ही देखते रातों रात साधना एक आम लड़की से सुपरस्टार बन गई। पहली फिल्म में मिली कामयाबी के बाद साधना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इनकी दूसरी फिल्म थी परख, जो कि बिमल रॉय ने बनाई थी। यह फिल्म भी जबरदस्त हिट रही और साधना ने इस फिल्म में भी दमदार काम किया। फिर अगले साल यानी 1961 में नजर आई देवानंद के साथ फिल्म हम दोनों में। यह फिल्म भी बड़ी हिट रही थी। इसके बाद शशि कपूर के साथ प्रेम पत्र में भी इनकी जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया। फिर किशोर कुमार जी के साथ मनमौजी फिल्म में भी इन्होंने बड़ा बढ़िया काम किया। तरक्की की राह पर हर दिन तेजी से आगे बढ़ रही साधना ने लव इन शिमला के 2 सालों के बाद यानी 1962 में एक बार फिर से जॉय मुखर्जी के साथ काम किया फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना में। यह फिल्म लव इन शिमला जितनी कामयाब तो नहीं रही, लेकिन फिल्म में साधना का काम लोगों को पसंद जरूर आया। अगले साल यह राजेंद्र कुमार के साथ फिल्म मेरे महबूब में दिखी और इस फिल्म में भी उन्होंने कमाल का काम किया। साधना की फिल्म मेरे महबूब के साथ तो एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा ही भी जुड़ा है। दरअसल जब यह फिल्म इन्हें ऑफर की गई तो पहले इन्होंने यह फिल्म करने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद ये उस दौर के मशहूर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी से एक दिन मिली और इन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी को बताया कि इन्हें मेरे महबूब फिल्म का ऑफर आया था, लेकिन इन्हें वो ऑफर कुछ खास नहीं लगा और इसलिए इन्होंने वो फिल्म करने से इनकार कर दिया है। इस पर रुशिदा ने इनसे पूछा कि फिल्म का हीरो कौन है। जब साधना ने बताया कि फिल्म का हीरो राजेंद्र कुमार है तो रुशिदा इनसे बोले, मेरे हिसाब से तुम्हें इस फिल्म में जरूर काम करना चाहिए, राजेंद्र कुमार हमेशा अच्छी स्क्रिप्ट ही फाइनल करता है, इसका मतलब कि यह फिल्म जरूर कामयाब होगी। रुशिदा की बात मानकर साधना ने फिल्म मेरे महबूब में काम करने के लिए हामी भर दी और ठीक वैसा ही हुआ जैसे कि रुशिदा ने इसे कहा था। फिल्म मेरे महबूब एक बड़ी हिट साबित हुई। साधना ने मल्टी स्टार फिल्म वक्त में भी अच्छा काम किया था। साधना का करियर बड़ा शानदार चल रहा था, लेकिन इस बीच इन्हें थायराइड की समस्या भी होने लगी।
इस समस्या का इलाज कराने के लिए साधना अमेरिका गई। इस बीच फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा होने लगा कि फिल्म इंडस्ट्री को साधना ने हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर दिया है और अब वो दोबारा किसी फिल्म में नजर नहीं आने वाली है। लेकिन साधना फिल्मों में फिर लौटी और लौटने के बाद साधना ने इस तरह की बातें करने वाले लोगों को बड़ा करारा जवाब दिया। ये नजर आई फिल्म इंतकाम में। यह फिल्म सुपरहिट रही और संजय खान के साथ साधना की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। इसके बाद फिल्म एक फूल दो माली ने सो सफलता के रिपोर्ट्स बना ही दिने। इस फिल्म में भी इनके साथ संजय खान ही थे। वही डायरेक्टर राज घोसला के साथ भी इनकी जोड़ी खूब जमी। राज घोसला की फिल्म वो कौन थी और मेरा साया में इन्होंने बड़ा दमदार अभिनय किया और इन फिल्मों के बाद तो इन्हें बॉलीवुड की मिस्ट्री गर्ल कहा जाने लगा था। साधना जी ने फिल्म गीता मेरा नाम से डायरेक्शन में भी कदम रखा। इस फिल्म के डबल रोल निभाने के अलावा इन्होंने फिल्म को डायरेक्ट भी किया था। इस फिल्म के प्रोड्यूसर इनके पति आर के नैयर साहब थे। साधना ने इस फिल्म के बाद से ही धीरे धीरे खुद को फिल्म इंडस्ट्री से दूर करना शुरू कर दिया था। एक इंटरव्यू में साधना ने साफ कर दिया था कि अगर वो फिल्मों में काम करेगी तो सिर्फ और सिर्फ हीरोइन के तौर पर ही करेगी, कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर वो कभी काम नहीं करेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मेरा नाम गीता के बाद ये कुछ फिल्में में ही देखी। इसके बाद ये फिल्मों से पूरी तरह से गायब हो गई। अपने करियर में इन्होंने लगभग 33 फिल्मों में भी काम किया। इनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये नजर आई आप आए बाहर आई, राजकुमार, अमानत, वंदना, दिल दौलत दुनिया, अनीता, सच्चाई, आरजू, असली नकली, इश्क पर जोर नहीं और गबन जैसी सुपरहिट फिल्मों में। सुनील दत्त हो या फिर शम्मी कपूर, संजय खान हो या फिर देवानंद या फिर राजेंद्र कुमार, हर हीरो के साथ इनकी जोड़ी दर्शकों को पसंद आई। बात अगर इनकी निजी जिंदगी के बारे में करें तो इन्होंने अपनी पहली फिल्म लव इन शिमला की शूटिंग के दौरान ही अपना दिल फिल्म के डायरेक्टर आर के नैयर को दे दिया था। लेकिन चूंकि इस वक्त इनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी तो इनके माता पिता ने उस समय इस जोड़ी को शादी नहीं होने दी। लेकिन 6 साल के बाद इन दोनों ने शादी रचाई। आर के नैयर ही थे जिन्होंने साधना का वो यूनिक हेयर स्टाइल ईजाद किया था। दरअसल साधना का माथा बेहद चौड़ा था। आर के नैयर उनका माथा छिपाना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने अपनी पसंदीदा ब्रिटिश एक्ट्रेस ऑडी हेपबर्न को जैसा हेयर स्टाइल इन्हें दे दिया। लेकिन भारत में यह हेयर स्टाइल इनके नाम से यानी साधना कट के नाम से मशहूर हो गया। वेटरन एक्ट्रेस बबीता इनके सगे चाचा की बेटी थी, इस लिहाज से करिश्मा कपूर और करीना कपूर की ये मौसी लगती है। साधना और नैयर साहब की कोई औलाद नहीं थी लेकिन इन दोनों के प्यार में कभी कोई कमी नहीं आई। साल 1995 में नायर साहब की अस्थमा से कारण मौत हो गई और उसके बाद से ही साधना भी अकेली हो गई। साधना इतनी जबरदस्त अदाकारा थी लेकिन फिर भी इन्हें कभी कोई अवार्ड नहीं मिला था। हालांकि फिल्म ओ कौन थी और वक्त के लिए ये लगातार 2 साल फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नॉमिनेट जरूर हुई थी। लेकिन साल 2002 में फिल्म इंडस्ट्री ने इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जरूर दिया था। जिंदगी के अंतिम सालों में इन्हें कोर्ट कचहरी के चक्करों में भी उलझना पड़ा था। दरअसल जिस घर में साधना रहती थी उस पर मुकदमा चल रहा था और बीमार होने के बावजूद भी साधना की अदालत और पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ रहे थे। ये कई दफा काफी ज्यादा बीमार हुई और एक दिन मालूम चला कि इन्हें कैंसर हो गया है। 25 दिसंबर 2015 को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में साधना जी ने अपनी आखिरी सांस ली और फिर अनंत की यात्रा पर रवाना हो गई। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।